संत अपने कार्य में ईश्वरीय स्रोत के समान होते हैं। उनका संबंध उस मूल स्रोत से होता है जहाँ से सभी आनंद प्रवाहित है, प्रेम। वे कच्चे घड़े को पकाकर इस योग्य बनाते हैं जिसमें ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति की जा सके। वे हमारे जीवन पथ के संपूर्ण अंधकार का, जिससे प्रगति बाधित होती है, विनाश करते हैं। संतों का कार्य कुछ चुने एकाध लोगों को शक्ति और प्रकाश प्रदान करने से समाप्त नहीं होता है। संत जन अन्य दीपों को प्रज्वलित करने में भी सहायक होते हैं। हनुमान जी ने तुलसीदास को कैसा आनंद दिया और तुलसीदास ने स्वयं अन्य लाखों भक्त जनों में कैसी ज्योति और आनंद का प्रभाव प्रवाहित किया। यद्यपि तुलसीदास बहुत दिनों पूर्व ही शरीर का त्याग कर चुके हैं, तथापि लाखों को आज तक प्रकाशित करते हैं। ये बात अनेक महान संतों और उनके शिष्यों के साथ रहा है। गुरु महाराज से श्यामाचरण और भगवान रामकृष्ण से विवेकानंद तक, उनके द्वारा और अपने शिष्यों के माध्यम से वे अपने भक्तों को स्मरण करते रहे हैं। संतों का कार्य चलता रहता है, चाहे हमें इसकी जानकारी हो या ना हो। जैसा मैंने पहले कहा है, मुझे सारी शिक्षा उन्हीं प्राचीन भक्तों द्वारा प्राप्त हुई है। वे उसी तरह मुझे जैसे मधुशाला की नंगी फर्शों पर बैठे हुए लोग मिल जाते हैं। वे उसी तरह मुझे मिले जैसे मधुशाला की नंगी फर्शों पर बैठे हुए लोग मिल जाते हैं, अथवा रेलगाड़ी के गलियारे में खड़े लोग। मधुशाला में सभी मस्त और अपने मन की और दिल की बातें खुलकर करते हैं, अपना सब कुछ सभी से कह डालते हैं। भय और औपचारिकता का तनिक भी ध्यान नहीं रहता है। अब स्थान बदल गया है, मधुशाला की फर्श की जगह सजे हुए ड्राइंग रूम की कुर्सियों ने ले ली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सबके हित के लिए हुआ है। मैंने भक्तों के आगमन से सर्वाधिक लाभ लिया है। ये मुझे शिक्षित और मेरे अंतर को प्रकाशित करने के बाबा जी के साधन के रूप में है। बाबा जी मुझे ये बताने में कभी भूल नहीं करते हैं कि मैं अब भी एक नासमझ और मूर्ख हूँ। सभी प्रकार के भेंट और सत्संग उनके ही साधन हैं। मुझे समझ और ज्ञान देने की बाबा जी ने यह मेरे लिए ऐसी वसीयत छोड़ी है जो कभी नहीं खर्च होगी। बाबा जी के आश्रमों में समारोहों और बिजली की सजावट जारी रहनी चाहिए, जिससे उनके भक्तों को पूर्ण आनंद मिल सके। तथापि इलाहाबाद में जो अग्नि उन्होंने प्रज्वलित की, वह बुझनी नहीं चाहिए, उसे प्रज्वलित रखी जानी चाहिए। इसीलिए यहाँ तो आगंतुकों के रूप में उस अग्नि को समिधा प्राप्त होती रहती है। बाबा जी से प्राप्त होने वाले आनंद और शांति हर भक्त को प्रसन्न रखता है, भले ही वह उनके समक्ष प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उपस्थित न हो। दूर रहते हुए और उनके दर्शन न कर पाकर भी भक्तों का परस्पर मिलना, एक दूसरे के अनुभव को सुनना और बाबा जी का स्मरण करना ही लोगों को आनंदित करने के लिए पर्याप्त था, और यह अब भी चल रहा है। जब भी हम भक्त गणों का मिलन होता था, हम अपने गुरु के लिए एक दूसरे के हृदयों में श्रद्धा का भाव पुनः प्रज्वलित करते हैं और अपने हिस्से का प्रेम भी प्राप्त करते हैं। जब तक पहिए की तीलियां केंद्र से जुड़ी हैं, यह रथ यात्रा सदैव जारी रहती है। ये बात कोई बाबा जी के भक्तों के लिए विशेष रूप से नहीं है, यही सभी महान संतों के शिष्यों के लिए भी सत्य है। जब भी आप रमन महर्षि अथवा श्री अरविंद या राम ठाकुर के भक्तों के संपर्क में आएंगे, आपको वही आनंद अनुभूति होगी। यद्यपि इन संतों ने वर्षों पूर्व समाधि ली थी, तथापि उनके भक्तगण अपने हृदयों में अपने गुरुओं को जीवित रखे हैं।
मुझे बाबा जी से जो कुछ भी प्राप्त हुआ अथवा अब भी प्राप्त होता रहता है, मैं उसके प्रति बहुत सचेत नहीं रहता हूँ। जैसे मंद गति से प्रवाहित वायु जो मेरे घर में प्रवेश करता है मुझे सचेत नहीं करता, लेकिन बाबा के भक्तों से मुझे क्या प्राप्त होता है, इसके प्रति मैं अवश्य सदैव सचेत रहता हूँ। मुझे बाबा जी के बारे में ज्ञान और अनुभव का अहम हिस्सा बाबा जी के भक्तों से प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ को यह संदेह हो सकता है कि ये कहाँ तक विश्वसनीय है, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है मैं पूर्ण रूप से उसे सत्य मानता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ। कुछ प्रमुख भक्तों को प्राप्त अनुभवों की सत्यता पर मैं संदेह नहीं कर सकता हूँ। वे अनुभव मेरे लिए उतने ही सत्य हैं जितने मुझे स्वयं प्राप्त अनुभव, जिसे मेरी आंखों ने स्वयं देखा है अथवा जिसमें मैं स्वयं भागीदार रहा हूँ। ये हो सकता है कि बाह्य तथा मुख्य विषय में सम्मिलित कर दिए गए हों, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता है कि उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाए। गेहूं के साथ कुछ भूसी अथवा केले के साथ छिलका अवश्य होता है, तो क्या इस कारण गेहूं या केले को फेंक दिया जाएगा? आपको तथ्य ग्रहण करना चाहिए। बाबा जी का भक्त जब अन्य भक्तों के अनुभव सुनता है तो उसे सारवान और थोथी वस्तुओं की पहचान करना आता है। वह अपने ज्ञान के अनुसार परीक्षण करता है और खरी उतरने पर ही उसे ग्रहण करता है, शेष छोड़ देता है। बाबा जी के भक्तों से सत्संग द्वारा मैं इसी तरह लाभान्वित होता रहा हूँ। मेरे लिए प्रस्तुत पुस्तक में कही गई कहानियों के स्रोत और सत्यता की आधिकारिक स्थिति की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक था। ये अनुभव सत्य और बाबा के सुयोग्य शिष्यों द्वारा सही अनुभूत हैं। मैं इन भक्तों को अपना अग्रज और मार्गदर्शक मानता हूँ, अतः उनके द्वारा कही हुई कथाओं को मूल्यवान समझता हूँ। मैं बाबा जी के समाधि लेने के बाद उनके आश्रमों में 2-4 बार गया। इन यात्राओं के पश्चात मुझे लगा कि मैं नए वातावरण में पूरी तरह रम नहीं पा रहा हूँ। कुछ समय तक मैं ये भी नहीं निश्चय कर पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे एक दिन यह स्मरण आया जो बाबा ने मुझसे 1962 में कहा था, दादा तुम घर पर रुको। तब मैं ये समझ नहीं पाया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। ये समझ मुझे तब आई जब मुझे लगा कि आश्रमों की मेरी यात्रा निष्फल रही। मैंने इसके पश्चात आश्रम की यात्रा बंद कर दी। कुछ उत्साही भक्तों ने कहना शुरू कर दिया कि दादा ने बाबा को छोड़ दिया है। जब किसी भक्त ने ऐसा कहा तो मैंने एक ही उत्तर दिया, मैंने बाबा को पकड़ा ही कब था जो हमने अब बाबा को छोड़ दिया है। मैंने उन्हें कभी पकड़ा ही नहीं, तो छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ उठता। अस्तु।